जय श्री राम। ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, योग्यता, भाषा शैली या कह सकते हैं जीवन में जो भी काम हम अपनी बुद्धि से निर्णय से करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो या जीवन के कोई भी निर्णय हो, उसका बुध ग्रह से सीधा संबंध बनता है। हम बहुत हिसाब से, बहुत लॉजिकली और बहुत मोटे तौर पर देखें तो बुध मतलब बुद्धि, और जहां पर बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही हो वहां पर जीवन में अवश्य ही फायदा मिलता है, और जहां बुद्धि भ्रमित हो रही हो, मलिन हो रही हो, कुपित हो रही हो, ऐसी स्थिति में आपके निर्णय गलत होते हैं। आज हम ऐसे ही ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बुध, मरकरी। इस ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक ये ग्रह मकर राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब ये ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बुध आखिर है क्या। कि जो लोग अकाउंटेंसी का काम करते हैं, जिनका काम बोलचाल से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित काम है, लेखा जोखा है, वो व्यापारी हैं, किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं, पैसे का आदान प्रदान करते हैं, खेल से संबंधित काम है, स्पोर्ट्स से संबंधित काम है, शिक्षा विभाग में है यानी एजुकेशन से संबंधित कोई काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, टीचर हैं, बोलने से संबंधित काम करते हैं, जहाँ पर पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, इसका भी जो कारक ग्रह है वो बुध ग्रह ही कहलाता है। यानी अगर आपका कोई भी काम इस तरीके से संबंधित है तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा पड़ता दिखाई देगा। ये बुध ग्रह इस बार शनि के राशि में आएंगे और ये अपने आप में बहुत खास है। वैसे तो बुध हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब शनि स्वराशि के होंगे तब बुध ग्रह उस राशि में वापस आते हों। तो ये अपने आप में खास स्थितियां यहां बन जाती हैं कि बुध जिसको हम व्यापार कहते हैं, शनि जिसको हम कर्म भी कहते हैं, बुध व्यापारी है, बुद्धि है बुध, इसलिए व्यापार और बुद्धि का एक साथ होना अब कुछ खास लेकर आपके लिए जीवन में आ रहा है। इसी चीज को मैं आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा कि आने वाले समय में, क्योंकि 20 फरवरी 2024 को ये राशि परिवर्तन होगा, 7 मार्च तक राशि परिवर्तन रहेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ खास होना, कुछ बढ़िया होने के लिए तो कहते हैं कि जी मिनट 2 मिनट भी काफ़ी हैं, और यहाँ तो ये ग्रह 20 फरवरी से 7 मार्च तक आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी राशि के लिए बेटर हुआ ही है। तो उसी प्रभाव को बड़े विस्तार से हम देखेंगे कि इस दौरान आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव। अगर आपको बुध से संबंधित या शनि से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो ये ट्रांजिट आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। साथ ही साथ बुध इस दौरान धनिष्ठा, शतविषा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, यानी अगर आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो भी ये आपके लिए ज़्यादा खास गोचर रहने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, शतविषा राहु और पूर्वाभाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, यानी कहीं ना कहीं मंगल, राहु और बृहस्पति के गुणों को भी ग्रहण करते हुए बुध इस दौरान गोचर करते दिखाई देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजिट आपके जीवन में आने वाला है ये आपके लिए क्यों खास है, जीवन के किस पहलुओं पे ये आपको क्या दे सकता है, आपकी राशि से ये ग्रह कहाँ किस भाव में बैठ गया, किन ग्रहों के साथ बैठ गया, कहाँ का मालिक होकर बैठ गया, किन ग्रहों से युति संबंध बनाया, वो सब कुछ बड़े ही विस्तार से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, अंत तक सुने, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भविष्य में भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। देखते हैं आपकी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि के लिए ये ट्रांजिट विशेष है क्योंकि कन्या राशि के ही जो मालिक हैं वो बुध हैं और स्वयं बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम इस वीडियो में समझते हैं कि देखिए बुध को विवाह भूमिका मिली है राशि की और दशम भाव की, इन दोनों भाव की जिम्मेदारी वो निभाता है। राशि मतलब है आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, आपकी एनर्जी, ये सब राशि में होती है। जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं वो हमें मिलता है, हमें मिलने का मतलब है या तो हमारे लगन को मिल रहा है या हमारी राशि को मिल रहा है, क्योंकि हमारे मन की एक्टिविटी, सोच विचार, कार्य करने की क्षमता इन पर निर्धारित होती है जीवन की स्थितियां। हमने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की, प्रयास की, हमारा भाग्य ने साथ दिया तो हमें फायदा मिला या हमें नुकसान मिला, तो मिलता किसको, अल्टीमेटली राशि के मालिक को मिलता है। दशम भाव का मालिक है, दशम भाव कर्म और कार्य क्षेत्र है,
नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, सामान्य कर्म कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जीवन के कर्म कर रहे हो, किसी ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो सब 10th हाउस में। अब इन दोनों का मालिक 6th हाउस में जाता है, जहां पर 6th लॉर्ड शनि बैठे हुए। छठे का मालिक छठे में बैठता है, आपको रोग, ऋण, रिपु इन तीनों से कवर करता है। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देगा शनि, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देंगे शनि। साथ ही साथ आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे लड़ने की क्षमता देंगे शनि। ये कभी नहीं होता, 6th लॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो उसको छठे घर के रिजल्ट देने हैं। अब शनि यहाँ लेने और देने दोनों वाला प्लेनेट स्वयं होता है, इसके पास पहुंच गए हैं। पहले राशि का मालिक जब छठे घर में हो तो इस दौरान क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, फैसले सोच समझ कर लें, जल्दबाजी से आपको बचना है, वाहन चलाने में सावधान रखनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि कन्या राशि आंतों का प्रतीक है। बॉडी के अंदर जो पेट में आंतें होती हैं, जहां पर आपका खाना पचता नहीं है या सड़ जाता है, वो इंटेस्टाइन का पार्ट कन्या राशि में आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम कर सकता है, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्किन के रोग बुध देता है, चमड़ी के रोग माफ कीजिए, बुध ग्रह से ही आते हैं, तो वो सब चीजें से यही आती है कि राशि का मालिक अगर अष्टम भाव में चल रहा हो तो ऐसी ही स्थितियां आपके सामने देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली चेतावनी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी चीज, जब राशि का मालिक छठे घर में और शनि वहां बैठता हो, इसका मतलब है इस दौरान आपके द्वारा किया गया प्रयास, आपके द्वारा की गई मेहनत किसी ना किसी रूप से सफल होती दिखाई देगी, क्योंकि शनि संघर्ष करना सिखाएंगे बुध को। शनि कर्म है, बुध वर्क है, व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है, अकाउंटेंसी का कारक है, तो ये शनि बुध की स्थिति यहां इस बात को दिखाती है। अब दशम भाव का मालिक है, मेरा कर्म छठे में आता है, ये भले ही राशि से छठा है, लेकिन यहां से ये नौवा है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास मेरे कार्य क्षेत्र का भाग्य बनाएगा। बहुत सीधी और मोटी परिभाषा कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास मेरे कार्य क्षेत्र का भाग्य बनाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट राशि से छठे हैं, लेकिन इस भाव से देखें तो अपने से नौवे में है और नौ में शनि के साथ है। यानी कॉम्बिनेशन कहता है जितना ज्यादा प्रयास, जितना ज्यादा एफर्ट्स, उतना ज्यादा सफलता। ये बात तो पक्की है कि वो 6th हाउस में है, तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष से विजय भी दिलाएगा ये कॉम्बिनेशन। तो क्या जी, मैंने कर्म के लिए मेहनत का तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेहनत की सफलता मिली, नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया सफलता मिल गई, व्यापार के लिए मेहनत की सफलता मिल गई, ये दोनों ही चीज़ यहाँ से आती है। और दोनों ही प्लेनेट यहाँ से बैठ के 12th हाउस को देखते हैं, इसका मतलब ट्रैवलिंग से भी फायदा मिलना, बाहर से जुड़कर फायदा मिलना, कोई व्यक्ति विशेष बाहर से जुड़ जाए या कोई विदेश से जुड़कर कोई काम हो जाए। आज के समय में बहुत ऐसा चलता है कि व्यक्ति बहुत जुड़ रहे हैं बाहर से, विदेश से लोगों से, और काम कर रहे हैं, तो नौकरी करने वाले को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, व्यापार करने वाले को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो वो कहाँ से आती है, वो 6th हाउस से रिलेटेड आती है। यानी ऐसा प्लेनेट दिखता भले ही छठे में है, लेकिन छठे में बैठना इसके लिए कोई खराब नहीं है, पर चेतावनी सिर्फ एक ही चीज के लिए देता है, वो आपकी हेल्थ, उसका आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज जहाँ भी, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जिन क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति पूरी मेहनत और लगन से कार्य भी करेंगे और उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता भी मिलेगी। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।